यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टैंकर ने युवक को रौंद दिया, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। ये बड़ी खबर फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई और टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ ही टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला और तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हो गया। टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये तेज रफ्तार के कारण एक टैंकर ने युवक को रौंद दिया, जिसके चलते 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और साथ ही टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो तेज रफ्तार टैंकर ने युवक को रौंद दिया है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया। हितेंद्र हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। हितेंद्र, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये युवक सुबह के टाइम कहीं जाने के लिए इंतजार कर रहा था रोड पर, उसी बीच आते हुए टैंकर ने रौंद दिया जी, मौत से परी मौत हो गई है जी। युवक के परिजनों से बात हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? मैम, युवक के पिताजी थे, वही पोस्टमार्टम के लिए सब कुछ तैयार थे थाने हॉस्पिटल में जी। उन्होंने बताया कि ये प्रतापपुर का रहने वाला है युवक जी, थाना नसीपुर के अंतर्गत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 25 साल के एक युवक की मौत हो गई।